हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए होम्योपैथिक जर्मन मेडिसिन बर्वेरिस बल्गेरिस के बारे में बता रहे हैं। मित्रों, अधिक से अधिक डॉक्टर जो पथरी को निकालने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है वह है बर्वेरिस बल्गेरिस। बर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है और यह बड़ी से बड़ी स्टोन को भी कुछ समय में घोल कर शरीर से बाहर निकाल देती है। मित्रों, हम लोगों के शरीर में दो तरह की पथरी होती है, एक रीनल स्टोन कहते हैं या जिसको गुर्दे की पथरी भी बोलते हैं, दूसरी जो पथरी होती है वह गाल ब्लैडर की स्टोन होती है या जिसको हम पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं या पित्त की थैली की पथरी भी बोलते हैं। दोस्तों, जब पथरी किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर कहीं भी होती है या यहाँ तक कि यूरेथ्रा में भी होती है, तो इस तरह की पथरी को हम किडनी वाली पथरी बोलते हैं या रीनल स्टोन की प्रॉब्लम बोलते हैं। जो दूसरी तरह की स्टोन है, जिसको हम गाल ब्लैडर की पथरी बोल रहे हैं या पित्ताशय की पथरी बोल रहे हैं या पित्त की थैली की पथरी बोल रहे हैं, वह हमारे लीवर के नीचे पाए जाने वाली एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, सुराही के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाली पथरी के बारे में बोल रहे हैं। दोस्तों, जब बाइल जूस का लगातार पित्ताशय में कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है तो वहाँ पर जो गाढ़ा बाइल जूस है वह धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है स्टोन्स में, और इसी बड़े हुए स्टोन्स को हम गाल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बर्वेरिस बल्गेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यह गाल ब्लैडर के स्टोन में भी उपयोगी है और रीनल स्टोन के केस में भी बराबर उपयोगी है। दोनों ही मामले में बर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन अच्छे से पथरी को घोल के बॉडी से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, जब किसी को रीनल स्टोन का पेन होता है तो वह एक टिपिकल रीनल स्टोन कॉलिक होता है, पीठ से शुरू होके और आगे यूरेटर से होते हुए नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक होता है, और अगर कोई मेल है तो उसके लिए यह पेन टेस्टिस, स्क्रोटम या अंडकोश की थैली तक जाता है। पथरी की साइज कोई भी हो, चाहे 4 mm हो, 6 mm हो, 8 mm हो, 10, 12, 15, 20 mm तक की स्टोन भी क्यों ना हो, लगातार अगर हम बर्वेरिस वल्गेरिस का उपयोग करते रहेंगे तो हमारी पथरी धीरे धीरे घुल घुल के बॉडी से निकल जाएगी। रीनल स्टोन के केसेस में कई बार पेशाब के साथ खून की शिकायत भी हो जाती है, जिसको हम हेमीचूरिया बोलते हैं। लगातार पेशेंट को जलन की शिकायत बनी रहती है, लगातार पथरी जहाँ पर फंसी होती है उसमें इन्फेक्शन की वजह से दर्द बना रहता है और कई मामलों में पेशाब भी रुक रुक के आती है। रीनल स्टोन का जो पेन है वह रेडिएटिंग पेन होता है, वह कमर से शुरू होके और नीचे टेस्टिस तक जाता है। इसी तरह रेडिएटिंग पेन गाल ब्लैडर के केस में भी होता है। पथरी का जब दर्द होता है तो वह लगातार पीठ से शुरू होके और आगे राइट साइड में लीवर के रीजन के पास होने लगता है। इसका टिपिकल पेन होता है और इसके साथ पेशेंट को कई बार उल्टी की शिकायत भी होती है। कितना भी पुराना गाल स्टोन का केस क्यों ना हो, लगातार अगर बर्वेरिस बल्गेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए तो उससे धीरे धीरे यह स्टोन डिजोल्व होके निकल जाएगा। और अगर रीनल स्टोन का मामला है तो यही बात यहाँ भी लागू होती है, अगर लगातार होम्योपैथिक बर्वेरिस बल्गेरिस दवा ली जाए तो उससे भी पथरी की जो अमाउंट है, चाहे उसकी कोई भी साइज क्यों ना हो, धीरे धीरे डिजोल्व होके लगातार इस दवा के लेने से वह डिजोल्व होके निकल सकता है। बर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन गाल ब्लैडर में पहुंच के वहाँ का जो बाइल जूस है उसके फ्लो को बढ़ाता है, और वहाँ पर लगातार फ्लो के बढ़ने से गाल ब्लैडर की जो स्टोन है वह भी निकल के कई बार खिसक के बाहर निकल आती है। इस तरह से कई सारे छोटे छोटे क्रिस्टल घुल घुल के लगातार धीरे धीरे समय समय पर गाल ब्लैडर के स्कल के बाहर आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि चाहे गाल ब्लैडर का केस हो, चाहे रीनल स्टोन का केस हो, बर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन मदर टिंचर बहुत ही अच्छे से काम करती है। यह बहुत ही हेल्पफुल दवा है, पथरी को निकालने के लिए एक जादुई और चमत्कारिक मेडिसिन है। अगर इस दवा को लगातार हम रेगुलर लेते हैं तो इस दवा को लेने से अधिकतर मामलों में पथरी के निकलने की पूरी संभावना रहती है। यह दवा जब भी खरीदें एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि होम्योपैथी में
प्रत्येक दवाइयाँ कई बीमारियों के लिए उपयोगी हैं, इसी तरह वर्वेरिस बल्गेरिस के भी कई तरह के सिम्टम हैं और भी कई तरह के रोगों में होम्योपैथिक वर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन उपयोग होती है। इस मेडिसिन के बारे में एक हमारा अलग से वीडियो है जिसके बारे में आप पूर्ण रूप से वर्वेरिस बल्गेरिस के जो दूसरे उपयोग हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। वर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन हम इंडियन कंपनी की भी खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी इंडियन कंपनी है, जैसे SBL, बैक्सन या जर्मन कंपनी की भी ले सकते हैं, जैसे कि WS, रैकबैक, एडेल, किसी भी कंपनी का वर्वेरिस बल्गेरिस बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मित्रों, अब हम आपको यह डोज बता रहे हैं कि वर्वेरिस बल्गेरिस की डोज क्या है रीनल स्टोन के केस में या गाल स्टोन के केस में। मेरा मतलब है पित्त की पथरी के लिए या गुर्दे की पथरी के लिए, दोनों ही मामलों में इस वर्वेरिस बल्गेरिस दवाई का 15-15 बूंद आधा कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना है। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो 15-15 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में चाय के सिप के जैसा धीरे धीरे इस दवा को दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। 15 बूंद की मात्रा सुबह लेना है, 15 बूंद की मात्रा दोपहर में लेना है, 15 बूंद शाम को लेना है और 15 बूंद रात में सोते समय भी लेना है, हल्के से गुनगुने पानी में लेना है। जब दर्द ठीक हो जाए तब नॉर्मल पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लगातार लेना है। इसका जो ड्यूरेशन है वह डिपेंड करता है आपकी रीनल स्टोन की साइज पर या गाल ब्लैडर की साइज पर। अगर मल्टीपल गाल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो लगातार कई महीनों तक इस दवा का उपयोग होना चाहिए, और अगर ज़्यादा मात्रा में रीनल स्टोन है, ज़्यादा साइज का रीनल स्टोन है, तो इस मामले में भी लगातार लंबे समय तक वर्वेरिस बल्गेरिस का उपयोग करना पड़ेगा। जब भी आप वर्वेरिस बल्गेरिस मेडिसिन खरीदें, डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, वो आपके लिए दवा का ड्यूरेशन आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से बताएगा। मित्रों, इस तरह से हमने आपको वर्वेरिस बल्गेरिस होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में पूरी जानकारी दी है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चनिंग है आपके लिए तो आप वो भी हमें ज़रूर बताएं। कंसल्टेशन आप चाह रहे हैं तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उससे आप कंसल्ट करें। लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।